अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आया था मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, आप देख लीजिए इसको, इसको चाहिए। हाँ अच्छा, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, तो लेट्स डू दैट। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। यस सर। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा हम फिजियोलॉजी से रिलेट करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बीमारियाँ होती क्यों हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो मर्दों को तंग करते हैं, ख़ास तौर पे जो हार्ट अटैक है वो विमेन में इतना नहीं होता जितना मेन में होता है। उसकी रीजंस हैं, उन रीजंस के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर तो उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली है क्या हार्ट अटैक और किस किस तरह की बीमारियाँ होती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर सिस्टम में। अच्छा, तो एक तो पहले हम वैसे डिफरेंसेस देखते हैं हार्ट के। एक तो जो विमेन हैं उनमें लोअर लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है, एजिंग के साथ साथ उनका मास कम नहीं होता हार्ट का, एपोप्टोसिस का रेट कम होता है, कोरोनरी वेसल्स थोड़ी छोटी होती हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन रेस्ट करते हुए उनका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, और कैटेकोलामिन के थ्रू जो वेसल्स कंस्ट्रक्ट करती हैं वो कम करती होती हैं खवातीन में एज कम्पेयर टू मैन। फिर दे हैव एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का इम्पेक्ट होता है हार्ट के ऊपर, हार्ट पे रिसेप्टर्स होते हैं जो एस्ट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, और एस्ट्रोजन इवन लिवर के जो जीन एक्सप्रेशन हैं उन पर भी इम्पैक्ट करता है, लिपिड्स को बेहतर करता है, वेसल्स को डायलेट रखता है, ब्लड प्रेशर से ज़्यादा नहीं होता, इम्यून सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है, साइटोकाइन और इन्फ्लेमेशन वाले पाथवेज को इस तरह से इम्पैक्ट करता है कि ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होती। सो एस्ट्रोजन का इन वन वर्ड काफ़ी प्रोटेक्टिव इफेक्ट है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर। फिर टेस्टोस्टेरोन ऑन द अदर हैंड एक्चुअली इंक्रीजेज द इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, सो ये मेन बिकम मोर ससेप्टेबल टू हार्ट डिजीजेस। अच्छा, फिर इसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की जो एजिंग है उसमें क्या कुछ होता है, पहले आप टाइप्स देख लो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की। एक तो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज होता है या एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, उसमें हार्ट के अंदर जो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो आके जमना शुरू हो जाती है वेसल्स के अंदर, सॉरी, और वो वेसल्स पे ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाता है, बिकॉज कोरोनरी रिलेट्स टू द ब्लड वेसल्स जो के हार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं ब्लड। चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस जिसे कहते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमिया जिसे कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज होता है मतलब पैदाइशी, रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है जो रूमेटिक फीवर वगैरह के बाद होता है, एंड वन अदर थिंग दैट कैन हैपन इज स्ट्रोक, एंड स्ट्रोक का भी वही मैकेनिज्म है जो कोरोनरी हार्ट डिजीज का है, दैट इज वाया द एथेरोस्क्लेरोटिक डिपॉजिट्स। इन सारों के बारे में थोड़ी डिटेल में हम आगे बात करेंगे, जस्ट टेलिंग यू गिविंग यू एन ओवरव्यू। अच्छा, क्या क्या चेंजेस होती हैं जब इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है हार्ट के अंदर? वेस्कुलर चेंजेस होती हैं, पोस्चरल चेंजेस होती हैं, कुछ चेंजेस रेस्ट पे आती हैं और कुछ चेंजेस एक्सरसाइज पे होती हैं। वेस्कुलर चेंजेस क्या होती हैं? जो बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं जो इलास्टिक बड़ी, जिनके अंदर इलास्टिन प्रोटीन ज़्यादा होती है, जो इलास्टिक आर्टरीज होती हैं ज़्यादा बड़ी, उनकी वॉल थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, फूल ज़्यादा जाती है और सख्त हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मेन सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और सिस्टोलिक बीपी जो है वो डायस्टोलिक बीपी से ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, और इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज यू ग्रो ओल्ड। फिर हार्ट रेट इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं होता, और अगर आप पोस्चरल चेंज करते हैं तो बैरोरिसेप्टर रिस्पांस कम हो जाता है। डू यू नो व्हाट अ बैरोरिसेप्टर इज? जो कैरोटिड आर्टरीज के पास एक बैरोरिसेप्टर और एक कीमो रिसेप्टर पड़ा होता है ना, दे रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन ईदर ब्लड केमिस्ट्री और ब्लड प्रेशर। याद है कि नहीं याद है? आपने पढ़ा होगा कैरोटिड आर्टरीज में, आई एम श्योर अबाउट इट। ऐसे नहीं हो सकता कि ना पढ़ाओ।
अच्छा फिर रिड्यूस बीपी, अगर बीपी कम हो तो नॉर्मली वेजो वेजो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा सके, वेसल्स कंस्ट्रक्ट कर जाती हैं। लेकिन जब एजिंग ज़्यादा हो जाती है तो फिर बीपी कम होने के बाद वेजो कंस्ट्रक्शन जो है वो उस तरह से नहीं होगी, और बीपी भी कम हल्का सा कम हुआ तो बॉडी खुद उसको मैनेज नहीं कर सकेगी, वो आपको कम बीपी नजर आएगा। अच्छा, और फिर इसकी वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन का चांस ज़्यादा हो जाता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि बंदा लेटा हुआ है और उठा एकदम से तो उसको उसको लगा कि चक्कर आए और सर जो है वो लाइट लाइट महसूस हुआ है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि जब पॉस्चर चेंज हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए कभी कभी होता है। अच्छा, और इसके अलावा रेस्ट पे क्या चेंजेस आती हैं? हार्ट रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम से मेंटेन हो रही होती है, लेट सिस्टली में ब्लड इजेक्शन ज़्यादा होती है, डायस्टलिक फिलिंग रेट जो है अली डायस्टोलिक फिलिंग रेट वो कम हो जाता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग ज़्यादा देर तक होती रहती है, ठीक है, और एट्रियल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है इसके अंदर, मतलब एट्रिया से ब्लड ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा होता है, और इसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, ख़ास तौर पे उन मरीजों को जिनका हार्ट रेट वैसे ही ज़्यादा रहता है, टैकीकार्डिक, ठीक है, टैकीकार्डिक पेशेंट में ये हो सकता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होता और वो डायस्टोली प्रोलॉन्ग हो जाती है इस तरह से। एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं? मैक्सिमम हार्ट रेट पहले जितना होता था इंसान का एक्सरसाइज में वो उतना नहीं रहता, कम हो जाता है, मतलब हार्ट रेट तो हर सिचुएशन में ऑलमोस्ट कम हो रहा है, और इसका मतलब क्या है, बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स कम है। बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलाई कौन से होते हैं? जो बीटा रिसेप्टर्स पे जब इम्पैक्ट पड़े हार्ट के तो क्या होता है, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है, हार्ट रेट ज़्यादा होता है, तो मतलब एक्सरसाइज के अंदर इस तरह से वो रिसेप्टर्स परसीव करते थे और हार्ट रेट को तेज़ करते थे, लेकिन अब वो रिसेप्टर्स थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं एज के साथ साथ। फिर इसके अलावा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, और 20 से 80 साल की उम्र के बीच में कार्डिक आउटपुट यानी कि जितना ब्लड बाहर निकल रहा होता है हार्ट से वो तकरीबन 30% तक कम हो जाता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कम नहीं होता लेकिन और तरह से मेंटेन होता है। लेकिन ये बहुत डिटेल है, इसको फिजियोलॉजी में समझना बहुत मुश्किल होगा, फिजियोलॉजिक समझना, अनलेस एंटिल योर फिजियोलॉजी इज एक्सीलेंट ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड इट, बट हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट को याद रखो तुम इन सारी चीज़ों में से जो भी मैं बता रहा हूँ फिलहाल। मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है सही से? सर सही आ रही है। यस सर। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म होता है। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म क्या कहता है? वो कहता है कि जितना आप लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना आपका वेनस रिटर्न होगा उतना आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक प्रेशर या वॉल्यूम होगा, यानी कि जितना लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा उतना प्रेशर ज़्यादा होना शुरू होगा और वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा जोर से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। आपको स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट वगैरह का जो है वो पता है ना, क्या उसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट पता है आपको स्ट्रोक वॉल्यूम का? आइडिया है व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? डू यू नो व्हाट अ स्ट्रोक वॉल्यूम इज? सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टली और सिस्टली के बीच में यानी एक स्ट्रोक ऑफ हार्ट बीट के बीच में जितना वॉल्यूम का डिफरेंस होता है दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड दैट बिकम्स अ ब्लड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन वन कंट्रैक्शन, ठीक है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो जब इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है लॉन्गर डायस्टोलिक इंटरवल की वजह से, क्या मतलब हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है ना, मैंने आपको बताया था हार्ट रेट के ऊपर फोकस करो, जब हार्ट रेट कम हो रहा है तो डायस्टोलिक लंबी हो रही है, मतलब आप तेजी से दिल धड़के तो लब दब लब दब लब दब करेगा, अगर स्लो स्लो धड़क रहा है तो लब दब लब दब, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। जब स्लो हो रहा है, जब स्लो हार्ट रेट हो रहा है तो डायस्टोलिक का इंटरवल ज्यादा हो रहा है, जब डायस्टोलिक का इंटरवल ज्यादा हो रहा है तो वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा है, जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो फिर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। नाउ व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन?
Do you have any idea of what ejection fraction is? Ejection fraction एक तो percentage है, ठीक है, और वो ये बताती है कि कितना blood हर दफा हर contraction पे left ventricle से निकलता है, ठीक है, कितना percent blood, ठीक है, अगर हम कहते हैं 80% या 20% या 40% निकलता है, तो उसका मतलब है कि left ventricle के अंदर अगर जितना टोटल ब्लड है उसमें से 40% बाहर निकल रहा है, सो वो जितना ब्लड बाहर निकलना चाहिए वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से फिर अगली डायस्टली में ब्लड की अमाउंट लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा हो जाती है विद दिस होल मैकेनिज्म। इस सारी इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम को के मैकेनिज्म को फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म कहते हैं, and this happens with aging. तो खैर अगर आपको एक छोटी सी समरी दिखाया जाए जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कार्डिक चेंजेस की, रेस्ट पे हार्ट रेट दोनों जगह कम, रेस्ट में भी एक्सरसाइज में भी, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा रेस्ट पे, एक्सरसाइज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, कार्डिक आउटपुट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रिजेक्शन फ्रैक्शन पे रेस्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्सरसाइज में कार्डिक आउटपुट कम हो रही है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, रिजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको कर लो, इस एक टेबल को, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और उसके बाद वेस्कुलर चेंजेस और पोस्टरल चेंजेस वाली स्लाइड देख लो, दैट वुड कवर अ लॉट ऑफ द चेंजेस दैट नॉर्मली हैपन विद एजिंग। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में किस किस तरह के डिजीज है, ये अब कुछ एब्रीविएशन है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जहन में हो। एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, CAD कहते हैं उसको, जो कि जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है हार्ट को उनका मसला है। सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज, अब है तो ये एक तरह से ब्रेन वाला, लेकिन चूंकि इसके अंदर वेसल आ जाती है जो ब्रेन की तरफ जा रही होती है, वो ब्लॉकेज वगैरह की वजह से स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, सो इसलिए ये भी एक तरह से इसी के अंदर करने वाली होती है। फिर उसके बाद वी हैव पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो है वो उन आर्टरीज का डिजीज है, ये उन वेसल्स का डिजीज है जो हार्ट की नहीं है लेकिन आगे दूर लिम्स वगैरह की और बाकी वेसल्स की है, मतलब हार्ट की वेसल्स तो कोरोनरी वेसल्स हैं लेकिन बाकी वेसल्स हैं वो पेरिफेरल वेसल्स हैं, तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज प्रॉब्लम कंसर्निंग दोज वेसल्स। सो ये अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये मुख्तलिफ डिजीज हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट के नॉर्मली वेसल्स वगैरह ब्लॉक कैसे होना शुरू होती हैं। तो पहले फोम सेल्स बनते हैं, फोम सेल्स का मतलब होता है कि द लिपिड आके जमा होना शुरू हो जाता है, फिर वो फैटी स्ट्रीक बन जाती है एक, ठीक है, हल्की सी, फिर इसको पूरी तरह से अभी लियन बनी नहीं है, पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई नहीं है लेकिन हल्की सी है, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रोल वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो एथनोमा बन जाता है, फिर वो फाइब्रस प्लाक बन जाता है। प्लाक इज़ द टाइम जब आर्टरी जो है वो ब्लॉक होना शुरू होती है और चांसेस होते हैं कि वो इस्कीमिया कॉज करे, मतलब ब्लड आगे ना जाने दे, और जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वो टिश्यू डेड हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ स्लोली जो है वो डेवलप होता है एथेरोमा। एथेरोमा कहते हैं जो कोलेस्ट्रोल फिल्ड डिपॉजिट हो इन द वेसल और वो एक प्लाक बना रहा हो। तो जब वो बना रहा जब वो इस तरह से बना देता है तो फिर इस्कीमिया हो जाता है उससे आगे वाले एरिया को, और जब इस्कीमिया हो जाता है तो फिर आपको पता है हार्ट अटैक वगैरह और इस तरह के मसले हो सकते हैं। सो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है बेसिकली देयर इज़ द डिपॉजिट ऑफ फैटी मटीरियल, कोलेस्ट्रोल, सेलुलर प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कैल्शियम और फाइब्रिन आर्टरी के अंदर वाली लाइनिंग में, और ये होता है उस वक्त जब ब्लड में बहुत ज़्यादा लिपिड लेवल हो, फैट्स बहुत ज़्यादा हो, और फिर प्लाक बनते जाते हैं, डिपॉजिट होता जाता है आर्टरी के अंदर, और फिर इसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक हो सकता है क्योंकि ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है क्योंकि क्लॉट बन सकता है, और फिर थ्रोम्बोसिस से एम्बुलस हो सकता है क्योंकि क्लॉट जब डिजॉल्व होता है तो फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगर पूरे का पूरा क्लॉट मूव करे तो उसे एम्बुलस कहते हैं,
और अगर collateral circulation develop हो सकती है अगर heart की तरफ जाने वाली artery में जो block है वो कम है तो blood दूसरी तरफ से जा सकते हैं और एक और pathway figure out कर सकते हैं. लेकिन normally ऐसा होता नहीं है क्योंकि कुछ arteries हैं वो सिर्फ उनके alternatives नहीं होते, उनकी collateral circulation नहीं होती. तो symptoms क्या आते हैं आदमियों में heart attack में? discomfort होता है upper body के अंदर. एक आर्म में बैक पेन, बैक डिस्कम्फर्ट, नेक डिस्कम्फर्ट, जॉ डिस्कम्फर्ट, ठीक है, स्टमक डिस्कम्फर्ट भी फील होती है. तो इस पूरे एरिया में सिर्फ दिल के पास दर्द हो रही है वो ज़रूरी नहीं है. अगर दिल से थोड़ा सा नीचे एपिगैस्ट्रिक रीजन जिसे कहते हैं वहाँ पे दर्द हो रही है और स्टमक पेन लग रही है तो तब भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि हार्ट अटैक हो सकता है. और इसके अलावा कोल्ड स्वेट, नौजिया, लाइट हेडनेस, फटीग वगैरह और सिम्टम्स भी हैं. ऑब्वियसली सबसे बड़ा सिम्टम चेस्ट पेन है जिसको आपने कभी भी नहीं भूलना. विमेन में देयर इज चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट. सो चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, अगर कोई कहे मुझे हल्का लग रहा है, हल्की सी पेन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, सोचना चाहिए कि हार्ट अटैक ना हो. ठीक है, तो इसमें और क्या सिम्टम्स होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, वॉमिटिंग, बैक पेन, जॉब पेन एंड बहुत क्लियर, कई दफ़ा ऐसा होता है बहुत क्लियर बात नहीं कर रहे, नॉट आई एम नॉट फीलिंग राइट, मुझे अजीब सा लग रहा है कुछ, इस तरह की बात भी हो ना अगर चेस्ट के एरिया में या इस एरिया में, तब भी यू हैव टू बी अ लिटल कॉशियस. और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ हो रही है, उसके साथ और भी चीज़ें होंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी, नौजिया वगैरह भी हो सकता है. खाली नॉट फीलिंग राइट की सिम्टम नहीं होगा, नौजिया वगैरह होगा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फटीग होगी, पैल्पिटेशंस मतलब हार्ट बीट होता महसूस हो रहा है, मस्कुलोस्केलेटल और कंप्लेंट्स होंगी, ये हॉट फ्लैशेस जिसमें पूरी अपर बॉडी में एकदम से आपको गर्मी महसूस होती है. एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस इस्कीमिया की वजह से होता है. इस्कीमिया इज अगेन रिडक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई और हार्ट ऑक्सीजन सप्लाई. फिर जितनी ऑक्सीजन कम होती है उतनी ज़्यादा पेन होती है. फिर उसके लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन दे देते हैं या बीटा ब्लॉकर देते हैं. तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है बेसिकली वो क्या करती है, वो वैसे उसको डायलेट कर देती है तो ब्लड ज़्यादा पहुंचता है. ठीक है, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को बताया होता है कि अगर आपके दिल के पास दर्द हो रही है तो आपने फटाफट नाइट्रोग्लिसरीन लेनी है. उनको एंजाइना होने के चांसेस होते हैं तो उन्हें फिर इस तरह से जब आप नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं तो चूँकि उनका हार्ट थोड़ा सा उनकी थोड़ी वेसल ज़्यादा खुल जाती है तो ब्लड जाता है और ऑक्सीजन पहुँचती है और पेन कम हो जाती है. बीटा ब्लॉकर्स की जहाँ तक बात है, बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली हार्ट की ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. मतलब बीटा ब्लॉकर्स व्हाट दे डू इज, आपको आपने फार्माकोलॉजी में बीटा ब्लॉकर्स पढ़ लिए? मैं बच्चों फार्मा क्या करते हैं बीटा ब्लॉकर्स? बीटा रिसेप्टर्स पे जाके ब्लॉकेज करते हैं. तो ब्लॉकेज जब होती है तो हार्ट जितनी तेजी से जितने जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है वो करना बंद हो जाता है. सो उससे भी चूंकि अब आपने दोनों तरफ से कंट्रोल करना है, हार्ट को भी थोड़ा स्लो डाउन करना है कि भाई जोर से ना कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि पेन ना हो ज़्यादा और ज़्यादा ऑक्सीजन ना चाहिए हो. तो बीटा ब्लॉकर्स उसकी ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा करते हैं. सो इससे दोनों तरह से आप कंट्रोल कर लेते हैं. एरिथमिया की जहाँ तक बात है, एरिथमिया इज नथिंग बट एन इरेगुलरिटी इन हार्ट बीट. तो टैकीकार्डिया जैसे मिसाल के तौर पे क्या होता है, टैकीकार्डिया में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है. नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? इट्स अबाउट 60 to 100 से ऊपर टैकीकार्डिया होता है, 60 से नीचे ब्रैडीकार्डिया होता है, विच इज स्लो हार्ट रेट. फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि हार्ट बीट जो है वो सही तरह से हार्ट नहीं बीट कर रहा. वेंट्रिकल जैसे पहले एट्रिया बीट करते हैं, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. फिब्रिलेशन में ये पैटर्न नहीं रहता, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है तो वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्ट करी जा रहे हैं वो भी बगैर किसी पैटर्न के. तो ना ब्लड फिल होता है ना ब्लड बाहर निकलता है. दैट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन और इट्स अ सीरियस इमरजेंसी. ठीक है, सो एरिथमियाज रेंज काफ़ी बड़ी रेंज है इनकी, 15-20 टाइप्स के एरिथमियाज होते हैं. बेसिकली दे आर एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ हार्ट बीट. ठीक है, कई दफ़ा आपको अपनी पल्स भी महसूस हो सकता है लेकिन एरिथमियाज में अक्सर पल्स तो पहुंचती नहीं है, पल्स तक ब्लड आ ही इतना ब्लड आ ही नहीं रहा होता क्योंकि जब हार्ट सही तरह से फेल ही नहीं हो रहा और सही तरह से बीट ही नहीं कर रहा जिस तरतीब से उसने बीट करना है तो ऐसा होता ही नहीं है कि ब्लड इतना पहुंचे. लेकिन कभी कभार पहुंच भी जाता है अगर छोटे छोटे एरिथमियाज हैं.
arrhythmias can be life threatening as well. So you have to understand कि ये कितनी dangerous situation हो सकती है. इसके अलावा एक और situation होती है जैसे कहते हैं congestive heart failure. Congestive heart failure में heart muscle इतना ज़्यादा damage हो जाता है कि वो मतलब वो उसके अंदर इतनी जान नहीं रहती कि वो blood जो है वो पूरा contract करके पूरी body पहुँचाए. ठीक है, तो उसकी बहुत सारी reasons होती हैं heart attack की वजह से भी. मतलब congestive heart failure हार्ट फेलियर है. मतलब हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, जो हार्ट का काम था वो नहीं कर रहा, और काम क्या था कि अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेट करवाता रहे, वो नहीं कर पा रहा. तो ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि हर हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर हो, लेकिन अगर हार्ट अटैक बहुत सीवियर था तो फिर हार्ट फेलियर हो सकता है. ठीक है, और भी कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो जो हार्ट के मसल को इम्पैक्ट कर रही हो तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है. फिर निमोनिया की वजह से, रूमेटिक फीवर की वजह से, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. निमोनिया की वजह से क्यों, क्योंकि हार्ट का और लंग्स का भी आपस में गहरा ताल्लुक है. तो लंग्स जब ख़राब होना शुरू होते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ब्लड जो है वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे, और ब्लड जो है वो सही तरह से ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा. तो जब वो नहीं होता तो हार्ट के अंदर अगर ब्लड जमा होना शुरू हो जाए किसी वजह से और वो सही तरह से उसे पंप ना कर सके, तब भी वो एक हार्ट फेलियर की सिचुएशन बन जाती है. सो जब हार्ट फेलियर हो जाए तो क्या मतलब है, हार्ट के अंदर ब्लड पंप जमा हो जा रहा है और वो पंप नहीं कर पा रहा, तो पीछे से जो ब्लड आना था वापस हार्ट में सुपीरियर इंफीरियर वीना के वगैरह, तो वो नहीं आ सकता. ठीक है, जब वो नहीं आ सकता हार्ट के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में जो है वो स्वेलिंग वगैरह ज़्यादा होती जा रही है. तो बॉडी में जब स्वेलिंग ज़्यादा होती है तो क्या होगा, एडिमा होना शुरू हो जाएगा. सो लेग्स में, एंकल्स में आपको कुछ लोगों की बहुत फूली फूली एंकल्स मिलती हैं, उनको अक्सर हार्ट फेलियर हुआ होता है. ठीक है, स्वेलिंग के साथ, एडिमा वगैरह के साथ. तो क्योंकि सर्कुलेशन नहीं हो रही तो जो भी फ्लूइड है वो जमा हो जा रहा है वेट बेरिंग एरियाज में. ठीक है, कई दफ़ा लंग्स में भी हो सकता है. फिर उसमें आप क्या करते हैं, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को डायूरेटिक्स देते हैं, डायूरेटिक्स देके ताकि उसका फ्लूइड जो है वो रिलीज हो, उसका फ्लूइड जो है वो निकले. अच्छा, इसके अलावा कंजेनिटल डिजीजेस यानी कि बॉर्न डिफेक्ट्स, मिसाल के तौर पे हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं उसके अंदर, मैटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई केमिकल आपने इस तरह के लिए जो फीटल डेवलपमेंट को इम्पेयर कर रहा है, मिसाल के तौर पे अल्कोहल की वजह से हो सकता है. रूमेटिक हार्ट डिजीज रूमेटिक फीवर की वजह से होता है, और रूमेटिक फीवर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की एक इलनेस है, उसके बारे में बात करेंगे. अच्छा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज में क्या क्या आ सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज में जो सेप्टल डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, मिसाल के तौर पर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, जो सेप्टम फॉर्मेशन हो रही होती है, चैम्बर्स जो है वो अलग अलग हो रहे होते हैं. आई डोंट नो आप लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है या नहीं, तो जब हार्ट के चैम्बर्स बन रहे होते हैं तो कई दफ़ा चैम्बर्स पूरी तरह से बनते नहीं हैं, वेंट्रिकल मतलब एट्री और वेंट्रिकल पूरी तरह से अलग नहीं रहते. राइट एट्री और राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्री और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन होनी थी वो सही तरह से नहीं होती, तो वहाँ पर एक सुराख रह जाता है. जो वो सुराख रह जाता है उस सुराख को अक्सर ये भी कहते हैं आम जबान में कि दिल में सुराख है. तो जो दिल में सुराख होता है वो बेसिकली कर ये रहा होता है कि जो ब्लड जिसने सही तरह से ऑक्सीजनेट होना था वो ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी काफ़ी मुश्किल होती है. ज़्यादातर कंजेनिटल हार्ट डिजीज आर ऑफ दैट काइंड, और भी होते हैं. इसके अलावा स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक ये होता है कि जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाए थ्रोम्बस की वजह से, क्लॉट की वजह से, एम्बुलस की वजह से, या एनरिज्म की वजह से. एनरिज्म में क्या होता है, ब्लड वेसल जो है वो इतनी फूल जाती है कि वो फिर इवेंचुअली फट जाती है. और ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रोक, उसमें हल्की सी इंटरप्शन होती है, थोड़ी देर के लिए बंदे को लगता है उसे स्ट्रोक टाइप कुछ हुआ, फिर वो ठीक हो जाता है. बट इट इज़ एक्चुअली अ प्रीकर्सर टू स्ट्रोक, मतलब इसके बाद अगर इस तरह किसी को होता है बार बार, जिसके वजह से स्ट्रोक हो सकता है, कहीं ना कहीं ब्लड जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट हो रही है, तो उसको आपको देख के सही करना पड़ता है. सो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस, एम्बुलस एंड एनरिज्म? मेरा डिफरेंस बेसिकली बहुत सिंपल है. थ्रोम्बस में आपको पता है क्लॉट बन रहा है, एम्बुलस में वो टूट के क्लॉट आगे जा रहा है और वो इस तरह जाके कहीं में फंस सकता है, और वो फिर एकदम कई दफ़ा थ्रोम्बो एम्बुलिज्म में सडन डेथ होती है. अगर वो पल्मोनरी वेसल्स में जाके फंस जाए तो ऑक्सीजनेशन आनी बंद हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना बंद हो जाता है और एकदम से डेथ हो जाती है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, थ्रोम्बस एंड एम्बुलस. एंड फिर उसके बाद ये जो एनरिज्म है, एनरिज्म इज बेसिकली एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल, वो स्लोली स्लोली डायलेट हो जाती है. पहले तो कुछ नहीं होता लेकिन फिर वॉल इतनी थिन हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है किसी वक्त वो फट सकती है, और फट के फिर वहाँ से ब्लड बाहर निकल जाता है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है.
स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रोक होता है जो ब्लड सप्लाई के ब्लॉक होने से हो रहा है, और एक स्ट्रोक होता है जो ब्लड सप्लाई जो ब्लड के ब्लीडिंग की वजह से होती है, हेमरेज की वजह से हो रहा है. सो होता क्या है कि अगर ब्रेन की वेसल्स में ब्लीडिंग हो और ब्रेन में ब्लड जमा होना शुरू हो जाए, तो वो ब्रेन के एरिया पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है. जब वो इस एरिया पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है तो फिर ऐसे ही सिम्टम्स बनते हैं जैसे आपको फालेज में नजर आते हैं, क्योंकि वो फिर एरिया सही तरह से काम नहीं कर पाता, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है. सो इसलिए एनोरिज्म जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक कॉज करता है. ये वाले जो है एनोरिज्म भी हेमरेजिक स्ट्रोक कॉज करता है, लेकिन एनोरिज्म से ज्यादा कॉमनली जो स्ट्रोक बनता है वो हाइपरटेंशन से होता है, हाई ब्लड प्रेशर से, जिससे दिमाग की शरियान फटना जिसे कहते हैं, वो हाइपरटेंशन से होती है, जिसकी वजह से फिर स्ट्रोक हो सकता है. अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? पहला रिस्क फैक्टर आपके सामने है, अच्छी तरह से देख लीजिए और खुद को सोच लीजिए कि आप इस रिस्क फैक्टर की तरफ कितना जा रहे हैं. और ये जितने भी सुट्टेबाज आवाम हैं वो भी सोच लें कि ये हरकत नहीं करनी, ठीक है? आप अपने साथ इसके साथ इस एक चीज़ का तो इतना लिंक है हर चीज़ के साथ, सो मेनी कैंसर्स, सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, स्टॉप डूइंग दिस, डू नॉट डू इट. और इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं. कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को? दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स दैट यू कैन कंट्रोल एंड रिस्क फैक्टर्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. फैक्टर्स दैट यू कैन कंट्रोल, टोबैको को छोड़ दो, बहुत ज़्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ना लो, हेल्दी वेट रखो, अपना डाइटरी हैबिट्स अच्छी रखो, एक्सरसाइज करते रहो, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते रहो, शुगर ना होने दो, अगर होए खुदा ना खास्ता तो उसको कंट्रोल में रखो, अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करते रहो. स्ट्रेस की वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं, स्ट्रेस की वजह से इवन हार्ट अटैक भी हो जाता है कभी कभी. अच्छा, इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. अच्छा, आप लोग कहोगे सर स्ट्रेस तो कंट्रोल हो नहीं सकता, बट स्ट्रेस एक्चुअली कंट्रोल हो सकता है. देयर इज वेज, मतलब स्ट्रेस नहीं कंट्रोल हो सकता, स्ट्रेस होने के बाद उसे मैनेजमेंट करना आना चाहिए अच्छी तरह से. अच्छा हाँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल? हेरिडिटी फैक्टर्स, एज, जेंडर एंड रेस. अब जो ख्वातीन को प्रोटेक्शन मिल रही है विद एस्ट्रोजन, दैट कैन नॉट बी गिवन टू मैन, ठीक है? सो दैट इज द रिस्क फैक्टर विच इज नॉट मॉडिफाइबल. अच्छा, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हार्ट की डिजीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं? एक तो ECG आप सबको पता होगा, एनजियोग्राफी, पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग, MRI, अल्फा CT, डिजिटल कार्डियक एनजियोग्राफी वगैरह वगैरह, और इस तरह की बहुत सारी नई नई चीज़ें आती जा रही हैं जो हेल्प करती हैं. इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग और इस तरह की और चीज़ें. अच्छा, एनजियोप्लास्टी और बायोप्लास्ट सर्जरी में क्या फ़र्क होते हैं? एनजियोप्लास्टी में तो एक कैथीटर डाला जाता है, उसके टिप पे बलून होता है, और बलून को इन्फ्लेट करते हैं तो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं आर्टरी की वॉल में, वो सारे वहाँ से रिमूव हो जाते हैं या फ्लैट हो जाते हैं, तो आर्टरी खुल जाती है, ठीक है? फिर वो स्टेंट वगैरह भी वहाँ पर डाल सकते हैं एनजियोप्लास्टी में. लेकिन कॉरोनरी बाईपास सर्जरी में किसी और जगह से आपने वेसल उठानी है और सर्जरी करके उन ब्लॉक वेसल्स को रिमूव कर देना है और उसकी जगह ये नई वेसल ग्राफ्ट कर देनी है, तो फिर वो दोबारा से ब्लड ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाती है, ठीक है? अक्सर ये फेमरल रीजन से लेते हैं ब्लड वेसल और फिर कॉरोनरी वेसल को हटा के वहाँ पर उसको लगा देते हैं. थ्रोम्बोलिसिस क्या होता है? अच्छा, अब ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. थ्रोम्बोलिसिस क्या है? अब आपको अगर पता चल रहा है क्लॉटिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द प्लाक, तो आपने क्या करना है, अगर तो टाइम पे पहुंच गया इमरजेंसी रूम में, तो आपने एक ऐसा दवाई उसे देनी है जो उसके थ्रोम्बस को तोड़ दे. तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के थ्रू आप थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं और उसका क्लॉट डिसॉल्व हो सकता है और आर्टरी उसकी खुल जाएगी और जो है उसको ब्लड पहुंच जाएगा और उसका हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा. सो अक्सर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो एक इंजेक्शन होता है. अक्सर आपने अगर खुदा ना खास्ता देखा हो किसी फैमिली मेम्बर को, या वैसे ही आपने अस्पताल में जाके देखने की कोशिश की हो, तो आपको अक्सर देखा होगा कि जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स होते हैं उनसे एक साइन करवाते हैं कि एक आपको हम देने लगे इंजेक्शन जो कि लाइफ सेविंग हो सकता है. लेकिन उनसे साइन इसलिए भी करवाते हैं क्योंकि अक्सर लाइफ सेविंग के अलावा वैसे भी वो ब्लड जहाँ पे क्लॉट होना चाहिए था वहाँ पे क्लॉट ना हो रहा हो, ब्लीडिंग ज़्यादा कर दे, तो वो प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, इसलिए उनसे साइन करवाते हैं. ये लाइफ सेविंग भी है और थोड़ा मसला भी कर सकता है. सो अक्सर वो ये वाला होता है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होता है कोई जो आपसे देते हैं.
इसके अलावा आपने और क्या करना है? ब्लड प्रेशर को आपने 130 बाय 80 से कम रखना है. 135 और 85 वाला जमाना पूरा हो गया, पुराना हो गया, बल्कि अब तो 125 बाय 75 होना चाहिए, उससे कम रखने की कोशिश करें. बीटा ब्लॉकर्स इंक्रीज कर सकते हैं आप ताकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो. एएस इनहिबिटर्स इंक्रीज कर सकते हैं. एलडीएल को 100 से नीचे रखें, ट्राइग्लिसराइड्स को 200 से नीचे रखें. अगर नहीं होता तो स्टैटिन यूज़ करें, और इसके अंदर फाइब्रेट्स और नायासिन वगैरह पहले यूज़ करें अगर खास तौर पे ट्राइग्लिसराइड्स 500 से ऊपर जा रहे हैं. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी हेल्पफुल, डाइट में उनको इन्वॉल्व करना. कोएंजाइम Q10 भी आजकल मिलता है, उसको भी आप इन्वॉल्व करके अपनी कार्डियोवैस्कुलर केयर इंक्रीज कर सकते हैं. फिर डायबिटीज़ को मैनेज करना, HbA1c कोशिश करें, जिसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो आप 7% से नीचे रखें ताकि आपके कार्डियोवैस्कुलर डैमेज ना हो. फिर आप और क्या क्या थेरेपी कर सकते हैं? एक तो थ्रोम्बोलिसिस में टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर दे सकते हैं. फिर एंटी प्लेटलेट एजेंट दे सकते हैं, क्योंकि एक तो तरीका ये है ना कि क्लॉट बन गया और फिर आप उसको डिजॉल्व कर रहे हो, और एक ये कि क्लॉट बनने से ही आप उसको रोक रहे हो, तो उसमें फिर आप एस्पिरिन दे सकते हैं, प्लेविक्स, एफिएंट, ये और एंटी प्लेटलेट एजेंट्स हैं आजकल मिल रहे होते हैं जिनको आप दे सकते हैं. लिपिड लोवरिंग एजेंट जिसे आप स्टेटिन ड्रग्स के थ्रू दे सकते हैं, हाई डोज स्टेटिंस देते हैं. आपको स्टेटिन पढ़नी हुई है आपने फार्मा में, ये भी पढ़नी है जनाब? कुछ बोल रहे हैं, सब सो रहे हैं. स्टैटिन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? स्टैटिन इज अ फॉर्म ऑफ ड्रग जो कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल पे इंपैक्ट करती है. नहीं सर पढ़ी. अच्छा चलो, स्टैटिन जब आप पढ़ोगे तो इट्स अ ड्रग दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को. ठीक है, तो आप लिपिड लोड को मैनेज करने के लिए स्टैटिंस देते हैं. फिर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स आई डोंट नो आपने पढ़े कि नहीं पढ़े, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है, जो कि पूरे के पूरे आपके ब्लड प्रेशर को और टोटल फ्लूइड वॉल्यूम को बॉडी में मैनेज कर रहा होता है, उसके अंदर अगर आप खास जगहों पे ब्लॉक करो तो उसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता और हाइपरटेंशन जो है वो कंट्रोल में आ जाती है. सो इसलिए उसको एस इनहिबिटर और ARBs जो है वो दे सकते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ट अटैक्स एंड इन हार्ट फेलियर रिलेटेड थेरेपीज. ठीक है, ट्रीटमेंट्स ये आप पढ़ोगे अगर आपने भी देखनी पड़ी. एलडेक्टोन इज नीडेड एज वेल, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट करता है. स्पाइनोलेक्टोन, एलडेक्टोन ये डायोरेटिक्स में आती है. आई डोंट नो इफ यू नो व्हाट डायोरेटिक्स आर. डायोरेटिक्स आर बेसिकली किडनी की एक तरह से, किडनी में या रीनल सिस्टम में आप पढ़ोगे कि दोज ड्रग्स एक्चुअली इम्पैक्ट द एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट यूरिनरी सब्सटेंसेस. ठीक है, और वो जिस तरह की भी ड्रग होती है वो उस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से रिमूव करवाती है. तो डायोरेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना. अच्छा, फिर इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स को आप सही तरह से मॉडिफाई करें, उसकी थेरेपी करें. ठीक है, आई होप कि इसमें से कुछ ना कुछ तो समझ आ गई होगी. आई डोंट नो, मतलब इसके लिए थोड़ा सा आपका फार्मा का नॉलेज चाहिए. आई डोंट नो आपका फार्मा का नॉलेज कितना है. एस्पिरिन जो है, अगर आप 80 मिलीग्राम के करीब एस्पिरिन ले लें रोज, तो उन लोगों के लिए जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि एस्पिरिन जो है एक डोज पर जाके ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी भी होती है उसकी. साइड इफेक्ट्स में ये होते हैं कि थोड़ा सा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंपैक्ट होता है उसका, और ब्लड क्लॉटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली आप थिन कर रहे हो एक तरफ से. तो इसलिए सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए जिन्हें डॉक्टर्स एडवाइस करें, खुद से नहीं आपने इसको करना. इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? स्मोकिंग सीजेशन, काउंसलिंग करें, थेरेपी करें, मेडिकेशन दें उसको स्मोकिंग की ऑल्टरनेटिव ताकि उसकी स्मोकिंग खत्म हो. फिजिकल एक्टिविटी 30-60 मिनट्स आपकी डेली कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, और उससे पहले आप देख लो कि आप इतने फिट हो कि आप इतनी एक्सरसाइज कर सकते हो. ये ना हो कि हार्ट अटैक हुआ जाके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी 3 दिन बाद. पहले अच्छी तरह से रिस्क असेसमेंट करवा लो. फिर डाइट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स, जैसे डैश डाइट कहते हैं, फाइबर डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उन डाइट्स को आप अपनी उसमें इन्वॉल्व करें कार्डियोवैस्कुलर केयर में, और सैचुरेटेड फैट्स से ज़्यादा कैलोरीज ना लें. ठीक है, देन अगेन देर आर सो मैनी डाइट प्लान्स विच हैव बीन मेड बाई डिफरेंट अथॉरिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस तरह के उन्होंने वो बनाए हुए हैं कार्डियोवैस्कुलर केयर वाली डाइट, डाइट पिरामिड होता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आजकल मौजूद हैं. डाइट प्लेट्स भी होती हैं
जो उन्होंने बताई होती है कि उसमें कितनी चीज की कितनी सर्विंग लेनी है आपने. सो हेल्दी डाइट इज इम्पॉर्टेंट और वो किसी तरह से भी आप उस तक पहुंच सकते हैं. फिर कार्डिक रिहेबिलिटेशन में इवेंचुअली अक्सर लोग तो हार्ट अटैक सर्वाइव कर भी जाते हैं. और फिर आपने क्या करना होता है, एक्सरसाइज ट्रेनिंग अगर आपकी सही तरह से हो रही है तो स्टेमिना आपका स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है और स्लोली स्लोली आपने रिकवरी की तरफ जाना होता है. और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपने अपने इंफॉर्म्ड कॉन्सेंट प्रोसीजर्स का पता हो, लिविंग विल्स पता हो, पावर ऑफ अटर्नी किसे देनी है, ऑर्गन डोनेशन क्या होती है. अगर आप मतलब दिस प्रॉब्लम गोज टू एन एक्सटेंट वेयर डेथ इज इमिनेंट, उससे पहले पहले ये सारे लीगल इश्यूज आपके रिजॉल्व होने चाहिए. ठीक है, दैट्स इट. और कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लो मुझसे. सर लेक्चर्स का पूछना था, रिकॉर्डिंग्स का. बेटा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो छुट्टियां आ रही हैं ना इनके अंदर बैठ के मैं ये काम करूंगा और सारा कुछ मैं जो है वो अपलोड करता जाऊंगा एलएमएस पे. जी सर एचपी का पूछना था कि उसकी ग्रेडिंग कब होगी, कि मैं मार्क्स नहीं लग रही सर. आपके मार्क्स डॉक्टर रूज ने लगाने थे सर, सब बच्चों के अटेंडेंस के लग चुके हैं लेकिन मेरे लगे थे, मैंने इतनी ईमेल्स भी कर ली हैं, सबको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा. I'm not sure. मैंने डॉक्टर रूज को फॉरवर्ड कर दिया था और उन्होंने कहा था कि शायद लग गए हैं. I'm not sure. सर वो मैंने देखे थे टिकट नहीं लगे, मैंने स्क्रीनशॉट भी सेंड किया. I don't know क्या हुआ है. फिर अगर नहीं लगे तो फिर अब इसका बाद में चेंज होगा. हमें सबमिट करना था, देयर आर 700 स्टूडेंट्स जो कि वेट कर रहे हैं हमने रिजल्ट का, तो दो चार बच्चों की वजह से वो रिजल्ट अपलोड करने से रोक नहीं सकते. तो हमने रिजल्ट भेज दिया हुआ है बट इंडिविजुअल केसेस को हम देख लेंगे फिर रिजल्ट के बाद. सर ये फिर ग्रेड लग जाएगा तो फिर कैसे चेंज होगा? चेंज रहता होता है, फिगर ना करें, वो काम हमारा है करना. और काफी चीजें होती हैं जो आप देख कर सकते हैं, वो एक आध दिन में हो जाता है, उसका ज्यादा मसला नहीं होता. सर ये अगर मैम मतलब आधे नंबर तो फिर ये अभी भी हो जाएगा? आई थिंक मैम ने लगाए थे, आई एम नॉट श्योर आपके पोर्टल पे चेंज हो रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे मिल गए नंबर, मैंने लगा दिया. आई एम नॉट श्योर कि क्या मसला हुआ. और कोई क्वेश्चन किसी का? सर एलएमएस पे ऐड कर दे. अच्छा जिस जिसने मुझे मेल की हुई है वो मैं मेल बैठ के देखूंगा, काफी सारी मेल्स आ रही होती हैं तो आई विल चेक दोस मेल्स एंड ऐड एनीवन जो कि नहीं ऐड हुआ. मेल करनी जरूरी है उसके लिए. सर मैंने कर दी है मेल आपको. अच्छा हां जी, एक बंदा बोले एक टाइम में, दूसरा बंदा सर छुट्टियां कब होनी? छुट्टियां ये लास्ट तेरे इसके बाद ईद के बाद मिलेंगे. 10 to 15 छुट्टियां हैं. ईमेल्स पढ़ लिया करो भाई, तो मैं आ गया होगा सर्कुलर. ओके एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं चलिए ठीक है. थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू आफ्टर ईद. अल्लाह हाफिज़.